दुखद कन्नड़ अभिनेता विजय राघवेंद्र की पत्नी स्पंदना राघवेंद्र ने दुनिया को कहा अलविदा। दिल का दौरा पड़ने से हुआ निधन। कन्नड़ अभिनेता विजय राघवेंद्र की पत्नी स्पंदना राघवेंद्र का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। यह घटना तब घटी जब दोनों थाईलैंड में थे। मीडिया रिपोर्टर्स की माने तो विजय राघवेंद्र की पत्नी को लो ब्लड प्रेशर था, जिसके कारण उन्हें दिल का दौरा पड़ा। बैंकॉक में निधन होने की वजह से उनका पार्थिव शरीर आने में वक्त लग रहा है। कहा जा रहा है कि आज यानी मंगलवार को उनका पार्थिव शरीर बेंगलुरु पहुंचेगा। बताया जा रहा है विजय राघवेंद्र की पत्नी स्पंदना फैमिली वेकेशन पर बैंकॉक गई थी। अचानक मौत होने से एक्ट्रेस का परिवार सदमे में है। दरअसल छुट्टियों के दौरान उन्हें अचानक छाती में दर्द उठा। इसके तुरंत बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने में शायद देर हो चुकी थी। स्पंदना पर डॉक्टर्स की ट्रीटमेंट का कोई असर नहीं हो रहा था। इसके बाद अस्पताल स्टाफ ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्पंदना सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी वीके शिवराम की बेटी और कांग्रेस विधान पार्षद बीके हरिप्रसाद की भतीजी थी। उन्होंने अपूर्वा फिल्म में एक छोटी सी भूमिका भी अदा की थी। बता दें कि एक्टर विजय राघवेंद्र की पत्नी स्पंदना ने फिल्मों में भी काम किया था। वो एक कैमियो रोल में नजर आ चुकी हैं। उनका ये गेस्ट रोल रविचंद्रन की फिल्म अपूर्वा में देखने को मिला था। इसी महीने राघवेंद्र और पत्नी स्पंदना अपनी 16वीं सालगिरह बनाने वाले थे। दोनों ने साल 2007 में शादी की थी और दोनों का एक बेटा भी है, जिसका नाम शौर्य है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए वाहिया टॉक को सब्सक्राइब करें।